Welcome to the World United. Welcome to the World United. प्रणाम, वर्ल्ड यूनाइटेड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन यूज योर सेंसेस टू गेट इनटू योर हारा। आप अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने हारा तक पहुंचने के लिए, अपने केंद्र तक पहुंचने के लिए। द फिजिकल सेंसेस आर ऑलवेज द सर्वेंट्स ऑफ योर माइंड। ये शारीरिक इंद्रियां हमेशा हमारे मन की सेविका होती हैं, या हम ऐसा कहें हमारा मन इन इंद्रियों के अधीन होता है। जब हम कहते हैं एक व्यक्ति समझदार है तो इसका क्या मतलब है? हमारे कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति समझदार है, वह अपनी इंद्रियों को काबू में रख सकता है, वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श, एनी सेंस कैन बी यूटिलाइज्ड टू गेट इनटू द हारा। किसी भी इंद्री का उपयोग हारा तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में ये प्रयोग किया जाना चाहिए। इनफैक्ट दिस शुड बी एक्सपेरिमेंटेड। उदाहरण के लिए यदि आप अपने दृष्टि लेते हैं, प्रकृति में जाइए, पक्षियों को देखते रहिए, पेड़ों को देखते रहें, पानी को देखिए। प्राकृतिक कई रंग हैं, सफेद, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, सभी रंगों को देखिए। आपकी इन नजरों को और नजरों से आनंद लीजिए, बस आपका मन रुक जाएगा। रुका हुआ मन जब होता है तो स्वतः ही चेतना हारा में मिलती है, चेतना केंद्रित हो जाती है। श्रवण के साथ भी ऐसा ही है। कुछ भी सुनिए, कोई भी आवाज सुनिए, किसी व्यक्ति की बात को सुनिए, मन का नेत्र हारा में उत्क्रमित हो। जब मन का नेत्र हारा की ओर उत्क्रमित होता है, हारा की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, तब जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति के चित, उसके मन को जान पाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं। ये जुड़ने का एकमात्र तरीका है, किसी के मन से जुड़ने का एकमात्र तरीका। स्पर्श, बस फर्श पर जब आप चलें, तब ऐसे चलें जैसे आप फर्श से लाड़ कर रहे हैं, अपनी चेतना को पैरों की गति के साथ, चाल के साथ संचालित करें और लेट गो हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। विद एवरी मूवमेंट देयर इज लेटिंग गो व्हिच हैपेंस ऑटोमेटिकली। पृथ्वी की गंध, प्राकृतिक गंध का उपयोग भी हारा से जुड़ने में किया जा सकता है। आप कैसे आनंद लेंगे, आपको क्या आनंद देता है, इस पर निर्भर करता है। ये सब एक व्यक्तिगत खोज है, योर पर्सनल डिस्कवरी और व्यक्तिगत झुकाव है, अ पर्सनल इंक्लिनेशन। पूरी चेतना के साथ खाएं। ज़ेन मॉन्क कहते हैं कि जब मैं खाता हूं तो मैं खाता हूं, व्हेन आई ईट, मैं केवल खाना खाता हूं, मैं सोचता नहीं है, मैं चबाता है, निगलता है, चाय पीता है, गिलास में पानी पीता है और जितनी संभव हो सके उतनी धीमी गति से ही पीता है, ताकि हर घूंट के साथ वो हारा में उतर सके। तो पानी पीने से भी आप अपने हारा में जा सकते हैं, ये संभव है। इसलिए हारा में जाने के लिए बहुत संवेदनशील होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू ऑल द सेंसेस। अंत में ये मुक्त होने की महारत है, दिस इज द मास्टरी ऑफ लेटिंग गो। ये मुक्त होने की घटना, इट्स द फिनोमेना जो हर पद्धति में निहित है। आंतरिक होने के हर साधन
और हर तकनीक में निहित है, किसी की चेतना के आंतरिकरण के लिए, जो एक बहुत ही हर्षजनक घटना है, मुक्त होना ही तो है। लेटिंग गो हैज टू हैपन, इट शुड हैपन। अपने मस्तिष्क, अपने मन को जाने दीजिए, अपने भावनात्मक सामान, द बैगेज, योर इमोशनल बैगेज, उसको जाने दीजिए, आपके पुराने पैटर्न्स को जाने दीजिए। बस अपने केंद्र में हो जाइए, अपने केंद्र में, आनंद के उस खजाने में हो जाइए।